दोस्तों स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में। दोस्तों आज जैसे ही मैं घर पहुंचा तो देखा कि दो कुरियर जो है वो रिसीव हुए हैं, दो बॉक्सेस। और ये जो रिसीव हुए थे ये हुए हैं दोस्तों एसुस कंपनी की तरफ से। दो बॉक्सेस रिसीव हुए हैं, दिखा देता हूं आपको। ये दो बॉक्सेस हैं जो रिसीव हुए हैं, मेरे लिए तो ये एक तरीके से ये सरप्राइज़ है दोस्तों। तो इन दो बॉक्सेस में क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो में। और सबसे पहले तो बता देता हूं कि ये जो दोनों बॉक्स हैं ये भेजे हैं, दोनों के दोनों बॉक्स एसुस कंपनी ने भेजे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉक्स ओपन करके दिखाता हूं और साथ ही साथ इसके बाद ये बॉक्स ओपन करके दिखाता हूं क्या है। और जो ये सरप्राइज है इसको करते हैं ख़त्म और अब जल्दी जल्दी करते हैं शुरू इसकी अनबॉक्सिंग बॉक्स की। और जो है इसको ले चलते हैं टेबल पे और आपको दिखाता हूं क्या है इन दो बॉक्सेस में दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गया हूं टेबल पे और बॉक्स जो है पहले वाला ये आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। और अब देखते हैं दोस्तों क्या निकलता है इसमें। बम तो नहीं है इसमें? ओ वाह, इसमें तो कोई फोन है? कौन सा फोन है दोस्तों? वाओ वाओ वाओ, कमाल हो गया, कमाल हो गया, दोती फाड़ के रुमाल हो गया दोस्तों। ZenFone 5G, वाओ ग्रेट, ZenFone 5G भेजा है हमें Asus ने। और कौन सा वेरिएंट भेजा है ये एक बार मैं देख लेता हूँ। 6GB 64GB जो वेरिएंट है वो 5G ZenFone 5G वो भेजा है, जो कि करीब करीब 30,000 रुपये का फ़ोन है दोस्तों। ये आपको मैं बता दूँ ये मेरा और आपका, जी हाँ दोस्तों मेरा और आपका, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे व्यूअर्स हो, मेरी फैमिली हो। और जो है ये मेरा पहला रिव्यू यूनिट जो कि Asus कंपनी ने दिया है हमारे काम को देखते हुए और आप सबकी सपोर्ट की बदौलत। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। अभी मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों ZenFone 5G फ़ोन। बट इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि इस जो सेकंड बॉक्स में क्या आया है हमारे पास। हालांकि 5G को जो है वो लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, एक महीना हो गया, बट फिर भी चलो कंपनी ने भेजा, हम इसके लिए जो है शुक्रिया अदा करते हैं इनका। और जो रिव्यू आपको मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा टोटली अनबायास्ड रिव्यू, ये गारंटी है हमारी। तो ये जो दोस्तों सेकंड जो फ़ोन है ZenFone Max Pro M1, हालांकि ये हमारे पास है ऑलरेडी फ़ोन, ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है जो मैंने अपने खुद के पैसे से लिया था। ये जो था मेरे पास 3GB 32GB जिसके ऊपर मैंने आपको जो है वो स्क्रैच टेस्ट और साथ ही साथ फायर टेस्ट करके दिखाया था। बट ये जो है वो वेरिएंट कौन सा है वो देखना पड़ेगा दोस्तों एक बार। वाओ दोस्तों ये भी जो है 6GB 64GB वाला वेरिएंट है Max Pro M1 का, जो कि Asus ने भेजा है रिव्यू करने के लिए। और हम इसका भी बनाएंगे बिल्कुल साफ और जो है अनबायास्ड रिव्यू और आप सबको दिखाएंगे। बट इस फ़ोन को अभी फ़िलहाल के लिए रख देते हैं साइड पे, इसके बॉक्स को भी दोस्तों रख देते हैं साइड पे और जो है लेके आते हैं इन महाशय को। तो ये आ गए हैं ZenFone 5G। तो बॉक्स ओपन करने से पहले जो स्पेसिफिकेशंस बॉक्स पे लिखी हुई हैं वो आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ आपको इस फ़ोन की जो है वो एक लुक भी दिखा दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है मिडनाइट ब्लू कलर में हमें भेजा है कंपनी ने दोस्तों। दो कलर्स में ये अवेलेबल होता है, मिडनाइट ब्लू और साथ ही साथ मिट्टी और सिल्वर। तो ये जो है मिडनाइट ब्लू में 6GB 64GB जो कि करीब करीब 30,000 का वेरिएंट है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि इस फ़ोन में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB 64GB, 6GB 128GB और रिसेंटली जो है इन्होंने 8GB और 256GB जो वेरिएंट है वो भी लॉन्च किया है। अगर प्राइस की बात करूं तो दोस्तों प्राइस जो है इसका काफ़ी जो है दमदार है, काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस रखा है Max Pro M1 की तरह। इन्होंने जो है 6GB 64GB जो वेरिएंट है, फ्लैगशिप फ़ोन है सबसे पहले तो ये, इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 30,000 रुपये, 29,999, 30,000 रुपये। फिर इसके से अगला जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वो आपको मिलता है करीब करीब 33,000 रुपये में, 32,999 में। उसके बाद दोस्तों जो 8GB और 256GB वेरिएंट है वो आपको दोस्तों मिलता है करीब करीब 37,000 का, 36,999। तो आपको उसमें 8GB रैम और 256GB रोम देखने को मिलती है दोस्तों। तो अभी बिना किसी देरी के हम इसको शुरू कर लेते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने बॉक्स ओपन किया हमें ये एक छोटा सा बॉक्स और मिलता है। इसमें हमें क्या मिलता है ये आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें हमें कुछ यूज़र गाइड और कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हमें ये जो है एक सिलिकॉन का कवर मिलता है, ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन कवर है, ठीक है। तो ये मिलता है, उसके बाद इसको हम साइड पे रख देते हैं।
तो इसके बाद दोस्तों ये हमें फोन मिलता है इसके अंदर, और सबसे पहले इसको करते हैं साइड पे। तो इसमें दोस्तों जैसे कि आजकल बाकी फोन्स में आपको नहीं मिलते, तो इसमें दोस्तों आपको मिलते हैं ईयरफोन्स। आप देख सकते हैं जो साउंड क्वालिटी है, मैंने सुना है इस फोन की जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है, स्टीरियो साउंड आपको इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर चार्जर की बात करें तो ऐसा कुछ आपको चार्जर मिलता है, आप देख सकते हैं, गिर गया, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको चार्जर देखने को मिलता है। इसको आपने कैसे फिक्स करना है आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे करके और ये देखिए ऐसे हो गया फिक्स। उसके बाद ये भी चेक कर लेते हैं ये नॉर्मल चार्जर है या फिर ये फास्ट चार्जर है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको टाइप सी कनेक्टर आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कि ये जो है फास्ट चार्जिंग आपकी जो है वो सपोर्ट करता है। ये जो चार्जर है साथ ही ये फ़ोन है, तो इसके बाद बॉक्स में हमें और कुछ नहीं मिलता है। तो अब सभी चीज़ों को साइड पे रखते हुए और ले आते हैं इस महाशय को बाहर, और इसको करते हैं एक बार ओपन। तो इस महाशय को करते हैं ओपन और आवाज सुनाता हूं आपको जैसे ये ओपन होता है। ओ गिर जाना था अभी, है ना। वाओ 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 वाओ, व्हाट अ मास्टरपीस है ना। अच्छा फोन दोस्तों, है कि नहीं कमाल का फोन। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरे हाथ में एसुस ज़ेनफोन 5G 6GB 64GB वेरिएंट। सबसे पहले तो दोस्तों आप देखिए कि आपको बैक साइड पे जो है वो ग्लास डिज़ाइन मिलता है, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन है ये, आप देखिए लाइटिंग वगैरह जो पड़ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एसुस की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है दोस्तों, और ये आपको मिलती है LED फ्लैश। और अगर हम बात करें फ्रंट की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा इसका फ्रंट मिलता है, ये आप देख सकते हैं, आपको नीचे वाली साइड 3.5 mm। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों कि टाइप सी होने के बावजूद भी आपको जो है 3.5 mm जैक देखने को मिल रही है इस फोन में। हालांकि जो है शाओमी जैसे कि मी A2 में आपने देखा होगा, उसमें आपको टाइप सी तो मिलता है बट आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलती है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं, और स्पीकर की जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है ऐसा सुनने में आया है, बट आपको मैं चेक कराऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ईयर पीस और कैमरा मिलता है, और आपको टॉप वाली साइड क्या मिलता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ माइक है और एंटीना बैंड्स हैं, और लेफ्ट वाली साइड आपको जो है सिम ट्रे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और माइक देखने को मिलता है दोस्तों। सेम वे आपको नीचे भी माइक देखने को मिलता है, तो तीन माइक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करें दोस्तों राइट साइड की, तो आपको जो है पावर ऑन ऑफ बटन और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिलते हैं। ये मैंने इसको यहाँ से टर्न ऑन कर दिया, और ये जो है फ़ोन अभी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आपको ये जो फोन में आपको नॉच डिस्प्ले मिलती है, ये आप देख सकते हैं आपको नॉच डिस्प्ले मिलती है, 6.2 इंचेस की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिलती है दोस्तों। फास्ट चार्जिंग ये फोन जो है सपोर्ट करता है। बात करूं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको मिलता है, स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें कैमराज की, रियर कैमरा की, तो आपको जो है 12+8 MP का डुअल रियर कैमरा आपको मिलता है। जो 12 MP का जो कैमरा है वो सोनी का सेंसर है, और जो 8 MP का कैमरा है बैक साइड पे वो दोस्तों 120 डिग्री एंगल का जो है वाइड एंगल कैमरा है वो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, तो वो आपको दोस्तों मिलता है 8 MP का वो कैमरा है। शुरुआत में जब ये लॉन्च किया था फोन, तो 8 MP थोड़ा कम लग रहा था और क्लैरिटी उसी हिसाब से नहीं आ रही थी, बट कुछ रिसेंट अपडेट से जो है इसका कैमरा जो है उसमें दोस्तों सुधार देखने को मिला है। बैटरी इसमें आपको दोस्तों 3300 mAh की देखने को मिलती है। जैसे ही मैं आप इसको यूज़ करूँगा, 3-4 दिन यूज़ करके आपको बताऊँगा कि ओवरऑल जो है ये कितना बैटरी बैकअप निकालती है। तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं बूट। तो ये दोस्तों होने जा रहा है बूट। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, साथ ही साथ आप पिन पैटर्न पासवर्ड से भी जो है फ़ोन प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हम जो है इसको एक बार फेस रिकॉग्निशन जो है वो सेटअप कर लेते हैं इसमें, उसके बाद हमें इसमें अपना फेस जो है वो लेके आना पड़ेगा। आइए।
तो ये आप देख सकते हैं कि 100% वो फेस का जो डेटा है वो सेव हो चुका है, के बाद सेटअप जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों हो चुका है फर्स्ट बूट, आप देख सकते हैं वाईफाई यहाँ पे हमारा चल रहा है और सिम इसमें अभी कोई नहीं है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्वाइप डाउन करता हूँ, सबसे पहले तो आप इसका ओवरऑल डिस्प्ले देखिए, 6.2 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है दोस्तों। इसकी मेन चीज़ जो मुझे अभी तक अच्छी लगी दोस्तों, एक तो ये कंफर्टेबली जो है फिट हो जाता है हैंड में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद जो इसका ऑसम डिज़ाइन है दोस्तों, ग्लास बैक है इसकी, और जो ये एल्यूमिनियम ग्रेड ये इसका जो डिज़ाइन दिया गया है ये काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो इसके AI फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें दोस्तों एक फीचर आपको मिलता है AI रिंगटोन का। फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहां पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, बहुत ही कम है, और आपने रिंगटोन की जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी आपने ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा किया हुआ है रिंगटोन का वॉल्यूम और ऐसे रूम में बैठे हैं जहां पे जो है शोर शराबा नहीं है, तो जब भी आपका फ़ोन आएगा रिंगटोन का वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे बजेगा, ना कि ज़्यादा ऊंची बजेगा। सेम वे अगर आपने रिंगटोन का वॉल्यूम कम किया हुआ है, जैसे भी है, अगर आप शोर शराबे वाली जगह पे बैठे हो तो वो जो है वॉल्यूम ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। AI फीचर है, और भी काफ़ी AI फीचर्स हैं, जैसे कि कैमरा में भी कुछ AI फीचर्स यूज़ होते हैं। यहाँ मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ एक बार, ये मैंने क्लिक की, और इसका रेजोल्यूशन, स्क्रीन का रेजोल्यूशन, कलर्स काफ़ी ब्राइट हैं दोस्तों, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। बट इसको अभी ओवरऑल चेक करूंगा, फिर आपको एक फुल रिव्यू इसका लेके आऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इसकी अनबॉक्सिंग दिखानी थी और ख़ुद देखना था यार कि है क्या इन दो बॉक्स में। तो ZenFone 5G दोस्तों अगर आप भी ख़रीदना चाहते हो तो अभी जो है फ्लिपकार्ट पे सेल लगी हुई है, आप उससे ले सकते हो। आपको दो तीन चीज़ें उसमें मिलेंगी, 3000 रुपये का दोस्तों, एक तो इसमें एक्स्ट्रा एक्सचेंज आपको मिल रहा है, अगर आप कोई फ़ोन अपना एक्सचेंज करना चाहते हो तो 3000 रुपये तक का आपको एक्स्ट्रा एक्सचेंज। एक तो पहले इसका रेट कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स कम्पिटिटर्स, जैसे कि 1+6, तो इसका एक तो रेट कम है 3000 रुपये का, उसके बाद आपको एक्सचेंज मिल रहा है दोस्तों कोई फ़ोन अगर आप एक्सचेंज करते हो। साथ ही साथ दोस्तों अभी आपको बैंक ऑफर भी मिल रहा है, अगर आपके पास वो जो भी उन्होंने बैंक बोला हुआ है उसमें फ्लिपकार्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, तो उसमें आपको 2000 रुपये तक का ऑफ अलग से दोस्तों वो मिल रहा है, मतलब करीब करीब 5000 का आपको इसमें और जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। 30000 का फ़ोन आपको करीब करीब 25000 में पड़ जाएगा दोस्तों। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो इस फ़ोन को, तो मैंने इसका जो है बाय लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जो है वो इसको चेक कर सकते हो। और आपको एक बार मैं इसकी साउंड तो सुनाऊं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वो गाना सुन लेते हैं, ये सुन लेते हैं दिलबर दिलबर। तो अब इतना ही प्ले कर सकता हूँ, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। आपने सुनी इसकी आवाज़ जो है, स्टीरियो साउंड है दोस्तों, तो साउंड के मामले में तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बट हल्का सा ये जो है थंब मैग्नेट है, ये देखिए जैसे ही आपके फिंगर्स लगेंगी आपको जो है इसको थोड़ा बहुत साफ ऐसे करना पड़ेगा ग्लास को। ओवरऑल डिज़ाइन इसका काफ़ी प्रीमियम है, 3.5 mm आपको जैक मिलता है, 165 ग्राम्स का सिर्फ वेट है दोस्तों इसका, और 7.7 mm की जो है इसकी थिकनेस है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बन गई है मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी, और आ रहे हैं पसीने क्योंकि आप देख लीजिए इस रूम में एसी नहीं है, पंखा चल रहा है और वो भी बहुत स्लो जो है वो चलाया हुआ है, पसीने आप देख सकते हैं कैसे आए हैं। मुझे जस्ट ओपन करना था बॉक्स, देखना था क्या है, साथ ही साथ एक्साइटमेंट में मैंने जो है अनबॉक्सिंग भी कर दी दोस्तों आप सबके लिए। और अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए इसकी अनबॉक्सिंग मैक्स प्रो M1 6GB की दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।